वांडाविजन शो जब हमने शुरू किया था ना, तब ऐसा लग रहा था कि यार मार्वल कितना वेट करा रहा है हमें, और ट्रस्ट मी चौथा पांचवा और ये छठा एपिसोड देख के ना मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शो के एंड में क्या होने वाला है। आई नो दिस वॉज द बेस्ट एपिसोड येट। बहुत सारी चीजें जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं आज इस एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर। सो गाइस, मैं हूं सचिन निगम, एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि वांडा और विजन के अंदर फर्स्ट टाइम हमें फोर्थ वॉल ब्रेकिंग दिखती है। हमें देखने को मिल सकते हैं टॉमी एंड बिली जो कि डायरेक्ट कैमरा से बात कर रहे हैं, वो अपना डिन डिस्क्राइब कर रहे हैं, और शुरू का जो इंट्रो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे काफी अच्छा लगा। पहली बार हमें इस शो के अंदर थोड़ा फोर्थ वॉल जो होती है उसको ब्रेक करने का मौका मिला है इस शो के कैरेक्टर्स के द्वारा, एंड आई एम रियली लविंग इट। लेकिन शुरुआत में हम देख सकते हैं कि वांडा जो है वो अभी पिएट्रो पे यानी नए वाले क्विक सिल्वर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है, और ऑब्वियसली यहां से ही कुछ कहानियां शुरू होने वाली हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि ये एपिसोड होने वाला है हेलोवीन का एपिसोड, और शुरुआत में हम देख सकते हैं कि बिली एंड टॉमी दोनों जो उनके मामा है यानी हमारे पिएट्रो, उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मतलब ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे होते हैं अपने रिश्तेदारों से कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे वो चीज़ देख सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हम देख सकते हैं कि वांडा और विजन जो हेलोवीन के लिए बिल्कुल तैयार है, और वो अपने रिस्पेक्टेड जो कॉमिक बुक यूनिवर्स के हमारी सूट था वो पहन के निकलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि वांडा को एक सिल्वर पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं करती है। इस बात को हमारा बिली जो है वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके हमारे ऑडियंस को बताता भी है। कि मैंने कहा यहाँ पे डायनामिक आपका सेट हो जाएगा कि क्विक सिल्वर और वांडा के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि जब हमारे विजन और वांडा थोड़ी सी बात करते हैं तो ये बात भी बच्चों को पता चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लास्ट एपिसोड हमने देखा था उसके अंदर हमें पता चला था कि विजन वांडा से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इस बात को हमारा बिली जो है वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस को बताता भी है कि मम्मी और पापा कभी कभी लड़ते भी रहते हैं। उसके बाद वांडा और विजन तैयार हो जाते हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन विजन वांडा को कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ बाहर। तो वांडा से पूछिए कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो, हमारा तो साथ में हेलोवीन मनाने का प्लान था ना। तो विजन कहता है कि नहीं नहीं, मैं हेलोवीन मनाने नहीं जा रहा हूँ, मैं नेबरहुड वॉच पे जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए बाहर तो उनको कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं सब पे नजर रखूँगा। बट एक्चुअली में विजन का प्लान ये नहीं है, विजन का प्लान है ये जानना कि वेस्ट व्यू के बाहर आखिरकार चल क्या रहा है। एपिसोड फोर के अंदर उसने समझ लिया था कि वांडा उसको कभी बाहर नहीं जान देगी, तो अब उसने मैटर्स को अपने हाथों में ले लिया है। और वांडा इस बात को जब बारे में पूछती है तो विजन कहता है मैं ऐसे बाहर जा रहा हूँ नेबरहुड वॉच पे, लेकिन वांडा भी ये बात जानती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने ही वाली है, लेकिन फिर भी वांडा उसको जाने देती है क्योंकि उसको वो थोड़ा सा उस पर यकीन कर लेती है। इसी सीन के अंदर आकर पिएट्रो बोलता है कि विजन को बाहर जाने दो, जो तुम्हारे बच्चे हैं उनके पास तो फादर फिगर ऑलरेडी से है, मैं हूं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर जो विजन है वो कहता है हाँ ठीक है, तुम बच्चों को ख्याल रखना दोनों, और मैं बाहर जा रहा हूँ, और विजन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि हमारा जो नया वाला मामा आया है पिएट्रो, वो बोलता है कि हम बाहर जा रहे हैं हेलोवीन करने, और वो कुछ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर जो है स्कारलेट विच कहती है यानी हमारी वांडा कहती है तुम आपने कॉस्ट्यूम भी नहीं पहन रखी है। तो फटाफट से पिएट्रो जो है वो टॉमी का हाथ पकड़ता है और बाहर जाके अंदर आ, जैसे ही आता है तो इसके पास उसकी कॉमिक एक्यूरेट की क्विक सिल्वर की जो सूट है वो आ जाता है। तो दोनों जो है इस वक्त क्विक सिल्वर की कॉस्ट्यूम में हमें बने हुए देखने को मिल सकते हैं। हम देख सकते हैं पिएट्रो और साथ साथ टॉमी दोनों ने क्विक सिल्वर का सूट पहन रखा है, जिससे ये पता चलता है, और ये बहुत ज्यादा सटल रेफरेंस है कि दोनों के पास सिमिलर पावर है। और एपिसोड के आने में हमें पता भी चलेगा, मतलब थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा कि दोनों के पास एक्चुअली में पावर्स हैं, और जो हमारा टॉमी है वो भी अब तेज भागना सीख जाता है, तो जल्दी हमें पता चलने वाला है इस बारे में भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड का हेडक्वार्टर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइलर हेवर्ड को हमारे डार्सी लुइस, जिमी वू और साथ साथ मोनिका रैम्बो कन्फ्रंट कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि तुमने हमारे ड्रोन के अंदर वेपन क्यों लगाया, तुम क्या चाहते हो, वांडा को मारना चाहते हो। तो यहाँ पे जो है वो टेलर कहता है कि मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, और वो तीनों को बाहर निकाल देता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जिमी वू और मोनिका रैम्बो लड़कर जो बाकी के स्वॉर्ड के एजेंट के कपड़े पहनकर अपना अंडरग्राउंड हो जाते हैं और स्वॉर्ड की फैसिलिटी में ही रहते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो है टाइलर हेवर्ड्स के जो भी एक्शन है मुझे सही नहीं लग रहे, उसने उन दोनों सबको बाहर निकाल दिया है, और अब वही इंचार्ज है, यानी जो कुछ वो करना चाहता है वो कर सकता है। तो आगे हमें इसके बारे में और पता चलेगा। जब टाइलर हेवर्ड और मोनिका रैम्बो की फाइट हो रही होती है तो टाइलर कुछ ना कुछ बोल देता है कैप्टन मार्वल के बारे में और उसके पास के बारे में। हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो कैप्टन मार्वल और हमारी मोनिका रैम्बो के बीच में हुआ था, बट वो क्या हुआ था हमें अभी नहीं पता है। साथ ही साथ एक साइड प्लॉट ये भी चल रहा है कि मोनिका रैम्बो को शायद उसकी पावर्स मिल चुकी हैं, क्योंकि डार्सी लुइस जब टाइलर हेवर्ड के कंप्यूटर पर चेक करती है तो उसको मोनिका का ब्लड सैंपल देखने को मिलता है, और उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ तो अब हो ही रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोनिका रैम्बो को जब हमारी वांडा ने बाहर फेंका था अपनी रियलिटी से, तो मोनिका रैम्बो को उस वक्त उसकी पावर मिल चुकी है, और शायद ये सारे के सारे सीन उसी पे हिंट कर रहे हैं। अगले सीन में हमें दोबारा दिखाया जाता है कि हेलोवीन की तैयारी टाउन में किस तरह से चल रही है। हमारे दोनों क्विक सिल्वर यानी कि टॉमी और हमारा नया वाला पिएट्रो मिलकर जो है बिली के साथ में पूरे टाउन में दहशत मचा रहे हैं। मतलब वो एक तरह से जैसे खेलते हैं वैसे ही वो खेल रहे हैं,
और यहाँ पे हमें हर्ब भी देखने को मिलता है। तो वांडा से पूछते हैं हर्ब और क्या चल रहा है, तो हर्ब बोलता है कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई चीज़ चेंज तो नहीं करनी। तो यहाँ पे एक सटल रेफरेंस दिखाया जाता है कि शायद वांडा किसी रियलिटी के अंदर है जहाँ पर लोग ये बात जानते हैं कि वांडा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वांडा कहते नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी के बीच में हमें कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं जिसमें वांडा हमारे क्विकसिल्वर को चेक कर रही है। वो पूछ रही है कि जिस ऑर्फनेज में हम रहते थे उसके बारे में बताओ, या फिर अपने बचपन से रिलेटेड वो काफ़ी चीज़ें पूछती हैं। तो यहाँ पर जो है क्विकसिल्वर वो ये कहता है कि मुझे पता है, तो मुझे टेस्ट कर रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो आराम से, मेरे कॉन्शियसनेस में कुछ भी नहीं था, अलग मैंने सुना तुम्हारी आवाज़ आ रही थी और मैं यहाँ पे आ गया, मुझे भी नहीं पता है कि एक्चुअली मैं चल क्या रहा है, लेकिन मुझे टेस्ट करना बंद करो, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन वांडा को फिर भी उस पर यकीन नहीं हो पा रहा है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि वांडा को उस पर यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं खुद यकीन नहीं करता क्विकसिल्वर पर। वांडाविजन के फैंस अब इतने ज्यादा पैरानॉइड हो चुके हैं कि अगर हमें लाल कलर कहीं पर भी दिखता है तो हम समझ लेते हैं मफिस्टो, फायर हाइड्रेंट दिखेगा तो ये भी मफिस्टो है, अगर किसी ने लाल लिपस्टिक लगाई है तो वो भी मफिस्टो है, सभी मफिस्टो है। कुछ अगले सीन्स में हमें विजन दिखाया जाता है जो कि अपना बाहर घूम रहा है और लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। लास्ट एपिसोड में विजन ने बोला था कि इस टाउन के अंदर बच्चे नहीं है, लेकिन इस एपिसोड में बच्चे ही बच्चे भरे हुए हैं क्योंकि हेलोवीन का एपिसोड है। तो लगता है कि किसी ने उसकी बात सुन ली, और इस रियलिटी में ताकि विजन को पता कुछ ना चले इसलिए बच्चे अब इंट्रोड्यूस कर दिए। लेकिन विजन जैसे ही बाहर निकलता है तो वहां पर देख सकता है कि कुछ लोग एक वियर्ड लूप में फंसे हुए हैं। यहाँ पे एक लेडी और उसके पीछे एक आदमी, ये इस लूप के अंदर फंसे हुए हैं, लगातार वही चीजें कर रहे हैं, और विजन को थोड़ा सा देख के ये और लगता है, और ऑब्वियसली और लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, आप कोई चीज देख रहे हो जो कि बार बार हो रही है, और उस औरत को रोना भी आ रहा है, मतलब वो किसी ऐसी चीज के अंदर फंसी हुई है जिससे वो बाहर निकलना तो चाहती है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है। उसके बाद हमें इस एपिसोड का कमर्शियल दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चा बैठा हुआ है एक आइलैंड पे और वो काफी ज्यादा भूखा है, और एक शार्क आती है, वो कहती है तुम्हें भूख लग रही है, वो कहता है हाँ मुझे भूख लग रही है। तो यहाँ पे जो है शार्क उसको बोलती है ये खाओ, यो मैजिक, योर मैजिक का मतलब है योर मैजिक, और वो पूछता है कि तुमने कैसे सर्वाइव किया, तो कहता है वो शार्क, वो कहती है कि मैंने तुम्हारे मैजिक पे, मतलब योर मैजिक का मतलब है तुम्हारा मैजिक, योर मैजिक, मैंने तुम्हारे मैजिक पे सर्वाइव किया, और वहाँ से वो उसको डब्बा देके चली जाती है, और वो बच्चा उसको खोलने की कोशिश करता रहता है लेकिन वो डब्बा उससे नहीं खोलता और एंड में वो मर जाता है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा हिंट है कि कोई भी जो भी पर्सन है वो वांडा को कंट्रोल कर रहा है और वांडा के मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी भूख को मिटा रहा है, और वांडा जो है वो उसको खोल भी नहीं पा रही है और वो एंड में मर जाएगी। मतलब इस तरह का कुछ रेफरेंस दिखाया गया है कि कोई और जो है वांडा के मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे तो कुछ ऐसा ही फील हुआ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही दोबारा चीजें, यानी वांडा जो है वो अब दोबारा क्विकसिल्वर सवाल पूछने लग गई है, और क्विकसिल्वर दोबारा उसको यकीन दिला रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझ पर यकीन करो वगैरह वगैरह। और कुछ सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉमी को उसके मामा की पावर्स मिल चुके हैं, यानी वो भी तेज भाग सकता है, और वांडा और हमारा क्विकसिल्वर यानी पेट्रो बहुत ज्यादा हैप्पी है इस चीज से कि फाइनली जो है टॉमी को उसकी पावर्स मिल चुकी हैं, एंड आई एम हैप्पी टू। इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो एक थिएटर लगा हुआ है जहां पर लिखा हुआ है द इनक्रेडिबल्स एंड द पेरेंट ट्रैप, यानी पेरेंट का जो ट्रैप होता है बच्चों को पालने का, उसमें जिस तरह से वांडा और विजन फंस गए हैं शायद उसी का एक रेफरेंस ही हो सकता है। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से जो हमारी डार्सी लुईस है, जिमी वू और हमारी मोनिका रैम्बो, वो सॉर्ड के बेस में अंडरग्राउंड है और यहाँ पे जो है वो सर्च कर रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में, यानी हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि जो हमारा टायलर हेवर्ड है वो विजन के ऊपर फोकस ज़्यादा है, मतलब विजन का ही वो ट्रैक कर रहा है, और विजन जो है वो उस पार्ट के अंदर जाने वाला है जहाँ पर लोग बिल्कुल भी एनिमेटेड नहीं है। अब अगर आप गौर से समझोगे इस बात को, तो इस तरह का एक गेम की तरह ये हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो आसपास के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो रेंडर्ड होते हैं, तो वो हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन अगर आप डिस्टेंस में देखेंगे तो वहाँ के कैरेक्टर बिल्कुल भी रेंडर नहीं होते, वो बिल्कुल एक तरह के स्टिक फिगर से होते हैं। तो शायद यहाँ पे भी कुछ ऐसे चल रहा है। ये बात हमारे तीनों एजेंट्स भी पॉइंट आउट करते हैं कि दूर के लोग हिल क्यों नहीं रहे हैं, और विजन अब वहीं पे जाने वाला है। विजन टाउन के इस पार्ट में आके देखता है कि लोग बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, वो बस आराम से खड़े हुए हैं, यानी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो उनका हिलने डुलने का कोई मतलब नहीं बनता। वांडा की रियलिटी में उसके आसपास ही सारी की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तो बहुत दूर है तो शायद यहाँ के लोगों को हिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विजन इस बात को नोटिस करता है, वो पूछता भी एक लेडी से कि आप मतलब क्या कर रहे हो, वाई आर डूइंग दिस, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हो, और वो लेडी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो इस टाइम बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल हिल भी नहीं रही है। हम देख सकते हैं हमें कार देखने को मिलती है जिसमें हमारी एग्रेस बैठी होती है। अब एग्नेस जो है वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करे लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। हम देख सकते हैं विजन यहाँ पूछता है कि एग्नेस क्या हुआ, तो बोलती है मैं बस खो गई। तो विजन पूछता है कि खो गई मतलब तुम तो बचपन से इसी टाउन के अंदर रहती हो, तो वो कहती है कि बस गलती से मैंने इस तरह का मोड़ ले लिया। तो विजन जो है वो यहाँ पे उसके माइंड को टच करता है, यानी उसके फोरहेड को टच करता है, जैसे लास्ट एपिसोड पर उसने नॉर्म को टच किया था। जैसे ही वो उसके फोरहेड को टच करता है उसी वक्त एग्नेस जो है अपने स्पेल से टूट जाती है और वो कहती है मुझे बचाओ, तुम जिंदा हो, तुम तो मर चुके हो, तुम तो अवेंजर हो। तो विजन कन्फ्यूज हो जाता है, विजन कहता है कि मतलब तुम क्या कहना चाहती हो। तो फिर वहाँ पे एग्नेस बोलती है तुम्हें पता नहीं है कि तुम अवेंजर हो और तुम तो मर चुके हो। कहता है मैं तो नहीं मरा। और यहाँ पे जो है वो एग्नेस अपने स्पेल में से टूट के बाहर निकल जाती है और हंसने लगती है। विजन दोबारा से उसको टच करता है और विजन को पक्का पता चल चुका है कि वेस्टव्यू के बाहर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, और नेक्स्ट सीन में वो वेस्टव्यू से बाहर जाने वाला है।
कुछ अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से हमारे क्विक सिल्वर जो है वो वांडा का इंटीग्रेशन कर रहा है। वो पूछ रहा है कि तुमने इतना सब कुछ किया कैसे, तुम्हारे बच्चे कैसे हुए, मुझे सब कुछ बताओ, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझ पर बिलीव करो और मुझसे बात करो। तो वांडा उसे भी समझाते कि मुझे खुद नहीं पता है कि ये सब कैसे हुआ है। बेसिकली अभी तक वांडा को शायद कुछ पता ही नहीं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, हमें खुद भी नहीं पता, एज ऑडियंस हम भी सवाल से घिरे पड़े हैं। लेकिन ये सीन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर शायद इन लोगों का थोड़ा सा बॉन्डिंग दिखाया जाता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में अगेन जंप स्केयर, जैसे कि वांडा विजन के अंदर पहले विजन को डेड दिखाया गया था, इसी तरह से हमें क्विक सिल्वर को भी डेड दिखाया जाता है। हम देख सकते हैं उसकी पूरी बॉडी पे 3 बुलेट होल हैं और ऑब्वियसली उसकी जो बॉडी है वो एक तरह से लाइफलेस है, और वांडा इस बात को देख के डर जाती है। तो क्विक सिल्वर कहता है क्या हुआ, तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। वापस से हमें वही चीज दिखाई गई है कि जो लोग मर चुके हैं वांडा शायद उनको रीएनिमेट कर रही है, और ऑब्वियसली यहां पर जो है हमें वही सीन का कॉपी दिखाया जाता है। जिस तरह से विजन डेड दिखाया गया था, ऐसे हमें क्विक सिल्वर भी डेड दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से विजन जो है वो वेस्ट व्यू के बैरियर से बाहर निकल चुका है, और जैसे वो बाहर निकलता है तो सॉर्ड के लोग तैयार होते हैं कि बैरियर में से जो भी बाहर निकलेगा उसका स्वागत करेंगे। जैसे वो बाहर निकलता है तो विजन की बॉडी जो है वो वापस से उसी वॉइड के अंदर, उसी हेक्स के अंदर खींचना शुरू हो जाती है, और विजन कहता है पीपल नीड हेल्प, और ये सारे के सारे स्वॉर्ड के एजेंट देख रहे हैं। डार्सिलियस भी पीछे देख रही होती है, और डार्सिलियस जैसे इसको बचाने आती है तो स्वॉर्ड का एक एजेंट उसके हाथों को एक जीप से बांध देता है, यानी वो भाग नहीं सकती। तो वो कहता है कि लोगों को तुम्हारी जरूरत है, लोगों को बचाओ, और जो वेस्ट व्यू है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे ही ये बात होने वाली होती है तो बिली को एक विजन आता है, और वो कहता है अपनी माँ को, मॉम जो पापा है वो खतरे के अंदर है। और वांडा जो है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सब कुछ पहले तो स्टॉप करती है, और यहाँ पे इवन पीटर्स कहता है कि तुम्हारा डेड हस्बैंड दोबारा तो मर नहीं सकता, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको बाहर फेंक देती है, मतलब दूर कर देती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ गाइज, जो क्विक सिल्वर है उसको कैसे पता है कि जो विजन है वो मर चुका है? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। यही बातें हैं जो मुझे थोड़ा गुस्सा दिलाती है और थोड़ा मावल से परेशानी देती है, क्योंकि मावल ने अभी तक किसी भी एपिसोड के अंदर हल्का सा भी हिंट हमें नहीं दिया कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, और ये चीजें दिखाकर वो और मूड खराब करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्विक सिल्वर कहता है कि तुम्हारा डेड हस्बैंड दोबारा नहीं मर सकता, और वांडा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसको ब्लास्ट करके दूर फेंक देती है। उसके बाद वांडा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, और जो बैरियर होता है वेस्ट व्यू का वो बड़ा करने लग जाती है। यहाँ पे बड़ा होता रहता है बैरियर, और जो भी चीज़ें उसके बैरियर के अंदर आती हैं वो वापस से 90s और 80s की थीम में बदल जाती हैं। हम देख सकते हैं कि डार्सी लुईस जो है वो भी एक जीप से बंधी हुई है, तो वो भी इस बैरियर के अंदर खिंच जाती है, और विजन भी ठीक हो जाता है। और यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म कर दिया जाता है। गाइज दिस वॉज अमेजिंग, मतलब मैं क्या कहूँ, 6 एपिसोड इज ग्रेट, मतलब 7th, 8th और 9th एपिसोड, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हो सकता है शो के अंदर 10th एपिसोड भी हो। आई कैन नॉट बी मोर एक्साइटेड। पता है आप, जैसे ये एपिसोड खत्म होने वाले हैं हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि शो के एंड में क्या होने वाला है। अपनी अपनी थ्योरी ना कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और हाँ इस तरह की वीडियो लग सकेगी ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, और मैं जा रहा हूँ एपिसोड दोबारा देखने। बाय।